हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं पश्चिम बंगाल के बंगुरा गांव में। यहां पे हम दो लोग देखने वाले हैं जो ताड़ी के पेड़, आम के पेड़ और ईटा किस प्रकार बनाया जाता है वो देखने वाले हैं। ये पूरा गांव का जो है मैं आज आपको पूरा शेयर कराने वाला हूँ। देखिए गाइस, ये है ताड़ के। तो देखो गाइस, अभी ये ताड़ का ये हमको मिला है यहाँ पे। चलो तो देखो गाइस, यहाँ पे हमको एक ताड़ का जो एक फल है वो दिया गया है हमको, उसको ट्राई करके देखते हैं हम जरा। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं इसको? ताड़। 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 हंस क्यों रहे हो? कहाँ जा रहे हो? छुपाया हुआ वो कौन छुपाया? तुम छुपाए क्या? नहीं। अच्छा, देखो यहाँ पे कुछ ताड़ी छुपाई गई है यहाँ पे, ये देखो। तो गाइस, अभी ये फल इन्होंने तोड़े, ताड़ के फल, और यहाँ पे यहाँ से लोग जा रहे हैं। तो देखो यहाँ से देखिए, मेरा इधर खड्डा भी ऐसा बहुत बड़ा। कहाँ पे जा रहे हो तुम लोग अभी? घर पे? एक फिर से एक बंदा है। अभी ये बंदा आपको अपने को ताड़ का जो है फल काट के दिखाएंगे। एक्सपीरियंस दिखाओ, दिखाओ एक्सपीरियंस इनको बहुत। देखो इन्होंने क्या क्या सामग्री लिए है यहाँ पे। देखिए, एक चाकू, दो तीन चाकू, क्या बोलते हैं इसको? चाकू बोलते क्या बोलते हैं? कुकरी। कुकरी। अच्छा, कुकरी बोला जाता है। देखो गाइस, अभी हम लोग बड़ाल का जो है फल तोड़ने वाले हैं। बड़ल का जो फल है इस प्रकार रहता है। अभी ये कच्चा है, इसको कच्चा नहीं खाते, जब पक जाता है तभी खाते हैं। गाइस, अभी जो हम लोग खा रहे थे ताड़, ये यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे ताड़ी के पेड़ पे चढ़ते हैं और वहाँ से ताड़ तोड़ते हैं। तो कुछ इतनी सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, जो बंगुरा गांव आपको विलेज बताया हमने, यहाँ के बहुत से बच्चे लोग एकदम एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पे पेड़ पे चढ़ने के लिए। और यहाँ पे खेत में जैसे कि अगर आप देखोगे तो आम के पेड़ भी बहुत हैं। आपको हम ये वीडियो में बने रहे, आपको आगे दिखाई गई। देख रहे हो गाइस, इतना छोटा पेड़ है लेकिन इतने छोटे पेड़ को भी जो है आम आ रहे। देखो, ये देख रहा है मेरे पूरे ऐसा हाथ में आ रहा है। और यहाँ पे एक ही पेड़ नहीं है ऐसा, यहाँ पे बहुत से पेड़ है। देखो, आपको दूर दूर तक दिख रहे हैं, ये पूरे सभी आम के पेड़ हैं। और आम के पेड़ हैं और इसको आम पूरे लदे हुए हैं, पूरे आम भरे हुए हैं। मैं दूर दूर तक जहाँ पे नज़र जा रही है वहाँ तक पूरे आम के पेड़ है यहाँ पे। और आप ऐसे नहीं है कि किसी का खेत है यहाँ पे, यहाँ पे बिंदास आप आम तोड़ के खा सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कोई चिल्लाने वाला है आपको। कितना सारा आम लगा हुआ है, देखो पूरा मेरा जो है यहाँ पे हार्ट टच हो जाएगा, इतना नज़दीक में आम है। मैं आपको आगे भी जाके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ को यहाँ पे आम लगा हुआ है, या ऐसे जितने भी पेड़ है सभी को आम लगा हुआ है। और पूरा कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं, जितने लोग यहाँ पे लेकिन कोई आम आने के लिए यहाँ पे तोड़ने के लिए नहीं रेडी। देखो, दिख रहा होगा आपको, देखो तो मतलब यहाँ पे बहुत से जो है आम लगे हुए हैं। तो आगे चलते चलते मुझे एक यहाँ पे कुछ इट्टी की थप्पी लगी हुई है और बहुत सारा कोयला पड़ा हुआ। चलो देखते क्या है यहाँ पे। ईट बनने के लिए मट्टी है क्या? नहीं बनते। क्यों बोल रही है? अच्छा, नहीं बनता है। मट्टी ज्यादा आ रही है। कोयला सस्ता मिलता ना यहाँ पे, मतलब एक किलो कितना? एक किलो का 3.5 रुपया। अच्छा, 3.5 रुपया। अच्छा हाँ, तभी भी सही है। या वहाँ पे तो 200 रुपये भी देते तो जल्दी मिलता नहीं है मुंबई साइड में। ये मतलब वो उसमें ईटा के लिए है ना? हाँ सही है। थोड़ा आराम करने दो उनको, जरा चिल्ला रहे उनको। और क्या, आराम करना चाहिए थोड़ा ना। बाकी
हाँ ये 1.5 लाख का है। मुंबई हाँ वो वहाँ पे है ना, क्या उसका नाम है, रियो रियो उस, हाँ उसके इधर आए। पूरा साल रहता है ये इट्टा का? नहीं सीजन भर रहता है, साल में एक दो बार बनता है पूरा, मतलब साल में 2-3 महीना। अब इसका सीजन खत्म होने वाला है। अच्छा बारिश का दिन है, बारिश में नहीं बनेगा है ना, 3-4 महीना बंद। बारिश में पन होगा। गांव भी तुम्हारा फिर इधर ही है कि किधर? ये अच्छा आगे, मतलब इधर से भी ईटा बनाने के लिए आते हैं? हाँ तो फिर सही है, यहाँ पे आके बनाओ फिर चले जाओ। चलो फिर चलते हैं। चलो चलते हाँ। तो गाइस इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और बल्कि ये नहीं है कि मतलब जितने गरीब लोग रहते हैं उतने अच्छे से खातिरदारी करते हैं। उन्होंने मुझे चाय पानी भी पूछा, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है अभी हम लोग वहाँ से आगे चल के गए, और आगे चलते ही हमको कुछ देखिए यहाँ पे खजूर का पेड़ भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए किस चीज़ का पेड़ है ये, किस चीज़ का पौधा है ये, किस चीज़ का है पेड़? उर्दू ना लिखी? अच्छा तो गाइस ये जो आंटी है, तो गाइस ये जो आंटी है ये कह रही है कि इनको हिंदी आती नहीं है, हिंदी या उर्दू आती नहीं है, तो इनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही आती है। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे थोड़ी जानकारी लेने की, इनसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये आपका ही पूरा खेत है ये खेत के बेटा? ना जाने ना के ठीक है। तो चलो गाइस आगे, चलो गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, उन लोग को लग रहा है अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो उन लोग को लग रहा है कि मैं पुलिस हूँ, तो इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए डर रहे हैं। तो अभी एक लेडीज़ ने भी मुझको कहा कि आप इधर घूम रहे हो क्यों, मतलब तो उन्होंने कहा आप पुलिस में हो, आप पुलिस हो क्या? तो मतलब मैं मतलब जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर वो अच्छे से बात करने लगे, उनको लगा यहाँ अभी पुलिस का थोड़ा डर है क्योंकि अभी जो इलेक्शन भी चल रहा है। कोई बात नहीं है, तो फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।